महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का आज जन्मदिन है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज जन्मदिन है। अजित पवार अब शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके गठबंधन ने राज्य में नए समीकरण बनाए हैं। इसके गठबंधन की ताकत बढ़ती है। ये नया प्रयोग महज 1.5 महीने पुराना है और दोनों नेताओं का जन्मदिन एक ही दिन होने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स से दोनों नेताओं को शुभकामनाएं दी गई है। बैनर पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को अनोखी शुभकामनाएं दी गई है। इस पर लिखा है कि ये दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। साथ ही इन बैनरों पर दोनों नेताओं की फोटो भी लगाई गई है। खास बात यह है कि इन बैनरों पर सुबह सुबह हुए शपथ ग्रहण समारोह की फोटो लगाई गई है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। इन बैनरों पर राजनीति के दादा अजित, राजनीति के चाणक्य देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, ये इबारत भी लिखी गई है। ये बैनर एनसीपी प्रवक्ता प्रशांत पवार ने लगाए। दिलचस्प बात यह है कि इन बैनरों पर एनसीपी नेता शरद पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरें भी छपी है। आज जो है महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनका जन्मदिन है और नागपुर में फिर एक बार जो है बैनरबाजी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है होर्डिंग लगा के, बैनर लगा के जो है दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जन्मदिन की शुभेच्छाएं दिए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि किस तरह से बैनर लगाया गया है, जिसपे लिखा गया है कि ही दोस्ती टूटाईची नहीं, अजित दादा और चाणक्य जो है देवेंद्र फडणवीस, इस तरह के जो है यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं। और साथ ही साथ विशेष यह है कि यहाँ पे जो है सुबह की जो शपथ हुई थी इससे पहले, वो फ़ोटो भी इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें शरद पवार इनका भी फ़ोटो है, एकनाथ शिंदे इनका भी फ़ोटो लगाया गया है इस बैनर पे। और एक बार फिर नागपुर में बैनरबाजी दिखाई दी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।